कि अब बिहार बंगाल चुनाव के लिए दी गई सेना के जवानों की बलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। चीन सीमा पर शहीद हुए जवान बिहार रेजिमेंट के हैं। 16 बिहार रेजिमेंट के एक कर्नल और 40 जवान शहीद हुए, 2 मेजर और 10 जवान बंदी बना लिए गए, जिन्हें गुरुवार को चीन ने रिहा कर दिया। लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाके में बिहार रेजिमेंट की तैनाती कुछ सवाल खड़े करती है। इन पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए कुमायूं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट की कुशलता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इन रेजिमेंट के जवान ऐसी ही भौगोलिक परिस्थितियों में पले बढ़े होते हैं। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों से पूरी तरह अपरिचित बिहार रेजिमेंट को फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी क्यों दी गई, इस सवाल का जवाब तलाशना मुश्किल नहीं है। बिहार और बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कोरोना महामारी से निपटने में नाकामी, प्रवासी मजदूरों के ऐतिहासिक पलायन और इस दौरान हुई उनकी मौतें, बिना किसी योजना लगाए किए गए लॉकडाउन और बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था के चलते सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है। जो सवाल पूछ रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में केवल युद्ध की कथाएं बांचकर और राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारकर अपनी नाकामयाबी और अपराधों को ढक देना इस सरकार का पुराना एजेंडा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा की घटना हुई, जिसमें हमारे जवान मारे गए। इसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई। सब कुछ जैसे प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। पुलवामा की दुखद घटना से पहले भाजपा की चुनावी मुहिम कमजोर होती नजर आ रही थी, लेकिन जवानों की शहादत से उपजा रोष मोदी के लिए वोटों की फसल में तब्दील हो गया। कई चुनावी रैलियों में मोदी के मंच के पीछे शहीद जवानों के चित्रों वाले पोस्टर भी लगाए गए। हमारे जाबाज सिपाहियों की लाशों पर पूरी नंगई और बेशर्मी के साथ वोट मांगे गए, और जैसा कि हमेशा से होता आया है, चुनाव जीतने के बाद इन शहीदों को भुला दिया गया। मोदी की प्रचंड जीत में पुलवामा हमले से जुड़े सुलगते हुए सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। इस देश को आज तक नहीं पता चला कि हमले में इस्तेमाल 300 किलो का आरडीएक्स कैसे और कहां से आया। खुफिया एजेंसियों ने तब आगाह किया था कि आतंकी सेना के काफिले पर एक बड़ा कार बम हमला करने की फिराक में है, लेकिन इसके बावजूद सीआरपीएफ का इतना बड़ा काफिला क्यों भेजा गया, जबकि सीआरपीएफ के हाई कमान ने जवानों के एयरलिफ्ट करवाने की मांग की थी। हाईवे पर उल्टी दिशा से आ रही कार इतने सारे चेक पॉइंट को पार करते हुए कैसे निकल गई, इस घटना की जांच आज तक क्यों नहीं की गई। क्या लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बिहार रेजिमेंट के जवानों की तैनाती और उनकी शहादत भी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर चली गई कोई चाल तो नहीं। इन जवानों के शव बिहार के गांवों में भेजे जाएंगे और राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने की कोशिशें होंगी। इन सबके साथ एक बार फिर सरकार की भयानक नाकामयाबियों पर पर्दा पड़ जाएगा। यह सब बिहार बंगाल के चुनावों से पहले हो रहा है। शहीदों की चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी है। इन सब के बीच भारतीय सेना का भयानक अपमान हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार से पूछा है कि सब कुछ जानते हुए भी जवानों को बिना हथियार क्यों भेजा गया। एचएस पनाग ने कहा है कि 200 साल के इतिहास में भारतीय सेना का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि सेना के जवान ऊपर के आदेश के कारण ही बिना हथियार के गए थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई। अब इसके जवाब में मोदी के पिट्ठू विदेश मंत्री का बयान देखिए। बेशर्म विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारे जवान हथियारों के साथ ही गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया। जब चीनी सैनिक हमारे जवानों की हत्या करने पर आमादा थे, तब भी भारत के जवानों ने आत्मरक्षा में हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यह बात समझ से परे और हजम नहीं होने वाली है। जाहिर है कि हमारे जिले इलाहे की तरह इनके वजीर भी अपने नकारेपन को ढकने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। उधर ओडिशा के बीजेपी नेता वैजयंत पंडा ने इस घटना के लिए 1996 के समझौते को जिम्मेदार बताया है, जिसके मुताबिक चीनी सीमा पर भारतीय जवान हथियार नहीं रख सकते,
हालांकि ये जवाब भी बरगलाने की निर्लज कोशिश से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग ने उस समझौते का हवाला देते हुए 1996 के समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में बताया है, यह समझौता सीमा प्रबंधन में प्रभावी है न कि रणनीतिक सैन्य संकट की स्थिति में। अगर सुरक्षा बलों की जान खतरे में होगी तो वो अपने सभी तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है कि यह सब एक बड़ी साजिश है जिसमें हमारे देश के जवानों की लाशें गिराने के बाद उन पर राजनीति करने की योजनाएं बनाई जाती हैं। अपना जीवन हथेली पर रखकर सरहद की हिफाजत में खड़े सैनिक देश के मजदूर और किसानों के बेटे होते हैं, यही देश के लिए लड़ते हैं और शहादत देते हैं। राजनेताओं की औलादों को सत्ता विरासत में मिलती है, ये केवल समझौते और समर्पण करना जानते हैं क्योंकि इन्हें देश नहीं सत्ता प्यारी है। सत्ता के लिए शवों की साधना जैसा अघोर कर्म भी इनके लिए सहज कृत्य है। बिहार के गांवों में भेजे जा रहे शहीदों के शवों पर राजनीति शुरू होते देखिए तो समझ जाइएगा कि इन जवानों की हत्या की असली गुनहगार कौन है।